हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई यूजर रजिस्टर करता है तो हम चेक करेंगे कि जो ईमेल वो एंटर कर रहा है वो ईमेल पहले से ही एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अगर वो ईमेल पहले से ही हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो यूजर को मैसेज हम डिस्प्ले करवा देंगे कि ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है जी। लेकिन अगर वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर कर पाएगा। लेकिन उस यूजर रजिस्ट्रेशन में एक हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई यूजर रजिस्टर करेगा। अभी हमारे डेटाबेस में जितने जो यूजर्स हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे डेटाबेस में ये यूजर्स अभी रजिस्टर्ड हैं। तो हमारे डेटाबेस में ये देखिए, अभी तक हमने सिर्फ एडमिन ही हमारे पास रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो भी यूजर रजिस्टर मैंने किए थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैं न्यू यूजर्स को रजिस्टर करूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर कोई आएगा, रजिस्टर यहाँ से करेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक न्यू यूजर्स को द्वारा रजिस्टर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल दूंगा यूजर की, लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे कोई ईमेल डालते हैं और यहाँ पे लेट्स से कोई यूजर पासवर्ड एंटर कर रहा है, लेट्स से 1234, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाल दिया 1234 और यहाँ पे मैं उसका नेम यहाँ पे लिख दूंगा यूजर का, लेट्स से सचिन, और जो उसका लास्ट नेम है वो है शर्मा, और यहाँ पे यूजर नेम है सचिन शर्मा, ठीक है। यूजर नेम है सचिन शर्मा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो यूजर है वो यहाँ पे रजिस्टर तो हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो यूजर है वो नीचे यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखिए सचिन शर्मा। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो यूजर का पासवर्ड हमने एंटर किया था, ये देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड है वो ये बोल रहा है इनवैलिड पासवर्ड फॉर्मेट और अननोन हैशिंग एल्गोरिदम। नीचे हमें क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, रॉ पासवर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड। मतलब कि जो हमारा पासवर्ड आ रहा है वहां से वो रॉ पासवर्ड ये कंसीडर कर रहा है, जो हमारा जेंगो का बैकएंड सिस्टम है, ठीक है जी। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे जो पासवर्ड हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे अपने फॉर्म में, जो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर रहे हैं अपने फॉर्म में, ठीक है जी, यहाँ पे जो हम पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, मैं उस पासवर्ड को क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहीं पे मैं उस पासवर्ड को सेट कर दूंगा, ठीक है। सेट मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे अगर मैं करूं, यहाँ पे हमारी जो यूजर की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, तो इस इन्फॉर्मेशन के सेव होने से जस्ट पहले यहीं पे मैं क्या करूंगा, यूजर का जो पासवर्ड है उसको सेट कर दूंगा। तो पासवर्ड को मैं कैसे सेट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर डॉट सेट अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। तो यहीं पे मैं जो यूजर का पासवर्ड है वो सेव कर दूंगा। तो पासवर्ड यूजर का क्या सेट करेंगे हम, जो भी यूजर यहाँ पे एंटर करेगा, तो इस फील्ड का नेम, इस जो ये पासवर्ड है इसको हम कहाँ पे फेच कर रहे हैं, यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। जो जो भी यूजर पासवर्ड फॉर्म में एंटर कर रहा है वो यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड वेरिएबल में, तो यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा पासवर्ड को, ठीक है। तो जो भी यूजर पासवर्ड उस फील्ड में वहां पे एंटर करेगा तो सेव होने से जस्ट पहले वो जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। एज ए रियल पासवर्ड सेट होगा, ना कि एज ए रॉ पासवर्ड, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे फॉर्म की फील्ड में पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे रॉ पासवर्ड जा रहा है, एज ए बैक एंड पे एज ए रॉ पासवर्ड जा रहा है और वो सेट नहीं हो रहा, और जो हमारा जेंगो का एडमिन पैनल है वहां पे हमें ये इनवैलिड पासवर्ड शो हो रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको सेट कर देंगे पासवर्ड को, तो वो एज ए रॉ पासवर्ड नहीं जाएगा और वो हमारे डेटाबेस में अच्छे से सेव होगा। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से यहां से करूंगा, यहां से इसको सेव करूंगा तो हमारा जो सर्वर है वो दोबारा से रीलोड होगा, ठीक है जी। तो सर्वर हमारा यहाँ पे रीलोड हो चुका है और मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे इस यूजर को डिलीट करके दोबारा से एक न्यू यूजर को रजिस्टर करूंगा, मतलब कि इसी यूजर को दोबारा से रजिस्टर करूंगा और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो पासवर्ड है वो अच्छे से सेव हो रहा है या फिर वो अभी भी इनवैलिड पासवर्ड ही हमें मिल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं कहूँगा क्या, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इसको यूजर को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा और अब मैं दोबारा से यूजर को रजिस्टर करूंगा,
ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर करूँगा, तो यहाँ से मैं इसको रीलोड करूँगा। सबसे पहले तो इसको मैं रीलोड कर दूँगा, और रीलोड करके यहाँ पे मैं ईमेल यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूँगा, पासवर्ड 1234, ठीक है। उसके बाद नेम यहाँ पे डाल दूँगा सचिन, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे डाल दूँगा शर्मा, और यूज़र नेम मैं डाल दूँगा सचिन शर्मा, ठीक है जी। और जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो अच्छे से सेव हुआ है या अभी वो इनवैलिड पासवर्ड ही आ रहा है। तो ये हमारा यूज़र यहाँ पे आ गया है। तो जैसे ही मैं यूज़र को यहाँ पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा पासवर्ड है वो इनवैलिड पासवर्ड नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो हमारा जो पासवर्ड है वो अच्छे से यहाँ पे जो है वो सेव हो चुका है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे कोई भी इनवैलिड पासवर्ड नहीं आ रहा, और जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है हमारे जेंगो में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखिए जो इसका हैश फॉर्म है हमारे पासवर्ड का वो ये है, ठीक है। जो भी यूजर का ओरिजिनल पासवर्ड होता है वो जेंगो में डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है जी। तो बस ये प्रॉब्लम थी और इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है जी। अगर आपके ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब कि जब भी यूजर, आप एक बार चेक कर लेना यूजर रजिस्टर करने के बाद, आप एक बार एडमिन पैनल पे जाके चेक कर लेना कि अगर आपका जो पासवर्ड है वो एज अ इनवैलिड पासवर्ड सेव नहीं हो रहा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो पासवर्ड है वो इनवैलिड पासवर्ड सेव हो रहा है तो आपको यहीं पे यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा यूजर का, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम थी और इसको हमने कैसे सॉल्व किया ये आपने समझा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें, इसमें मैंने बहुत से जेंगो के टॉपिक्स कवर करके रखे हैं, ठीक है जी। अगर आप स्टार्टिंग से इसको देखोगे तो आपको जो सभी कॉन्सेप्ट्स हैं जेंगो के वो अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।